बीच में पुलिसकर्मी और उनके चारों ओर लोगों की भीड़। भीड़ पुलिस वालों से अभद्रता के साथ ही हाथापाई पर भी उतर आई। भीड़ का कहना था, पुलिस जूते और शराब पीकर बाबा के दरबार में कैसे आ सकती है। सुनिए भीड़ के साथ ही माइक पर भी बोला जा रहा है, कोई भी सरकार बाबा से बड़ी नहीं हुई है। ये दुनिया में सबसे बड़ी सरकार है। कोई सा भी मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई भी गुरुद्वारा है, इसमें एक में भी आप जूते पहन के नहीं जा सकते हो। हाँ, और पीड़े और ये और है बंद कराने यार, ड्रिंक करके एक बार आप चले जाओ तो आपको भेजो। ये तस्वीरें हैं भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में स्थित बिहारी जी मंदिर की, जहां तेज आवाज में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। तेज आवाज के साथ गाने बजाने की शिकायत मिलने पर कार्यक्रम को बंद कराने पहुंचे एक थानेदार को महंगा पड़ गया। वहां लोगों ने थानेदार को पकड़ लिया और उसके साथ गाली गलौज के साथ ही हाथापाई शुरू कर दी। भीड़ के बीच से भाग कर थानेदार ने अपनी जान बचाई। सुनिए मथुरा गेट के उप निरीक्षक कपूर चंद की ही जुबानी, कैसे भीड़ ने उनके साथ अभद्रता और हाथापाई की। रात को लगभग 1 बजे पुलिस कंट्रोल रूम भरतपुर ने बताया कि डीजे बज रहा है, उसको बंद कराया जाए। मैंने और चेतक ने पहले तो यहाँ कलेक्टिव कोठी के आसपास देखा था कि कोई डीजे बज रहा है। वहाँ हमने गाड़ी बंद करके देखा भी था तो वहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर हमने वहाँ आगे चल के देखा तो किला भरतपुर है ना, वहाँ से डीजे की आवाज़ आ रही थी। मैंने कंट्रोल को कहा कि भाई ये तो वहाँ बाबा साहब का प्रोग्राम है, इसलिए वहाँ डीजे बज रहा है। फिर कंट्रोल ने कहा कि ये कलेक्टर साहब के आदेश हैं, आप कोई बाबा हो चाहे कोई हो, डीजे को बंद कराने जाइए। फिर मैं चेतक को वहीं छोड़ के मैं अकेला गया था गाड़ी लेके हमारे थाने की। मैं वहाँ जाके उनको कहने वाला था तो भक्तजन थे, उन्होंने ये कहा कि पहले तो आप जूता उतार के आइए। मैं जूता उतारने जा ही रहा था तब तक तो एक ने कह दिया, एक भक्त ने, कि इसने तो दारू पी रखी है, घेर लो उसको। फिर मेरे को घेर लिया उन्होंने और मेरी टोपी उतार ली सिर से और मेरे साथ हाथापाई की। ये बात मथुरा गेट के थानेदार का कहना है कि शिकायत मिलने पर कलेक्टर साहब के आदेश पर ही कपूर चंद वहाँ गए थे, ऐसे में उनसे मारपीट की गई, मामला दर्ज करा लिया गया है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहारी जी के मंदिर में पहुंची थी जबकि जागरण की अनुमति श्रीमान कलेक्टर साहब ने दी थी, उसकी आवाज़ कम कराने के लिए ये गए थे, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए इसके साथ लोगों ने कुछ छीना झपटी और मारपीट करने के बाद सामने आई है। कपूर चंद एसआईसी नियमानुसार मुकदमा दर्ज कराया जाकर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जेल से इनामी कैदी के भागने से लेकर जेल में महिला से दुष्कर्म के मामले तक में कई बार प्रदेश की पुलिस कटघरे में खड़ी हो चुकी है, जिसको लेकर विपक्ष हो क्या सत्ता पक्ष, सरकार के सहयोगी डिप्टी सीएम सचिन पायलट सभी ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए। सीएम अशोक गहलोत सरकार के साथ ही गृह मंत्रालय की कमान भी खुद ही संभाल रहे हैं, लिहाजा कहीं ना कहीं पुलिस पर उठने वाला हर सवाल सीधे सीएम गहलोत की ओर ही इशारा कर देता है। देखना होगा सीएम गहलोत इस घटना पर क्या एक्शन लेंगे और कितनी जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होगा।